फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड फॉर आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। सो हमने यहाँ पे गुलाब जामुन मिक्स का हमने एक पैर दो पैकेट लिए थे। अब हम इसके अंदर का जो आटा, ये रेडीमेड मिलता है, आपको भी मिल जाएगा आसानी से शॉप पर। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप घर में बना सकते हो। हमने ये लिया था, अब हमने इसको दो पैकेट लिया था ना, हमने इसको कट करके आटा लेके हमने गूंदा है, आपको हम दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आटा गूंद चुके हैं। हमने उसके अंदर का जो आटा निकाल के हमने उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदा है। इसके अंदर ज़्यादा पानी डालोगे तो पतला हो जाएगा। हमको सॉफ्ट नरम थोड़ा चाहिए, हमको थिक्की चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको ऐसा आटा गूंद के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने थोड़े पेड़े बना चुके थे, अब हम बना रहे हैं और थोड़े पेड़े। उतना आटा है हमारा, हम और थोड़े पेड़े बनाए। आपको ऐसे बनाना है, आपको अगर बड़ा चाहिए तो आप बड़ा भी पेड़े बना सकते हो, छोटा चाहिए तो छोटे, आपको मीडियम भी चाहिए तो मीडियम बना सकते हो। देखिए, सो फ्रेंड्स, हम मीडियम पेड़े बना रहे हैं, आप देख सकते हो पेड़े ऐसे बन चाहिए हमको। देखिए देखिए, अब हम ऐसे पूरे पेड़े बना लेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने पूरे लड्डू बना चुके हैं, देखिए। सो फ्रेंड्स, हमारे पूरे लड्डू हो चुके हैं रेडी, आप देख सकते हो। अब हम इसको तलेंगे और चांचरी बनाएंगे, चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अब गुलाब जामुन तलेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है और एक साइड हम उसकी चांचनी बनाएंगे। चांचनी बनाने के लिए हमने एक पतीले को गर्म करने रखा है और हमें एक गिलास पानी लिया है। देखिए, अब हम इसमें डालेंगे एक गिलास पानी और हमने लिया है 2 कप शुगर, यानी कि शक्कर लिया है, ठीक है। देखिए, सो फ्रेंड्स, हम 2 कप नहीं डाल रहे, हम 1.5 कप डाल रहे हैं। आपके हिसाब से आप डालिए, आप मीठा खाते हो तो मीठा 2 कप डालिए, आप मीठा कम खाते हो तो 1 कप या 1.5 कप हमने जो डाला है वो डाल सकते हो, ठीक है। अब हम इसकी चांचनी बना लेंगे और ये साइड देखते हैं हमारा तेल गरम हो चुका है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो चुका है, आप देख सकते हो, और हमारे यहाँ पे पेड़े भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको 2 ट्रिप करके हम तलेंगे। फर्स्ट हम हमारे फर्स्ट ट्रिप डालते हैं बिस्मिल्ला करके। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें एक 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 करके डालेंगे। देखिए, आप स्लो फ्लेम में रख के ही डालिए, जोर फ्लेम मत कीजिए, ठीक है। देखिए, और इस हेड हमारी चांचनी भी पक रही है। देखिए, यहाँ पे हमारे 2 ट्रिप डालेंगे, हमारे इतने बच्चे हैं, हमने उतने डाल दिए, ठीक है। अब हम इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। देखिए, फ्लेम लो ही रखना है, जोर मत रखिए वरना जल जाएंगे। और ये साइड हमारी चांचनी पक रही है, देखिए ऐसे उबाल आना चाहिए। इसको भी हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे, देखिए लो फ्लेम नहीं तो मीडियम फ्लेम में रखेंगे। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चांचनी पक रही है अभी, और हमारे गुलाब जामुन देखिए यहाँ पे थोड़े लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अभी थोड़े होना बाकी है। इसको हमको अच्छे से पका लेना, अदरवाइज ऊपर से कच्चे या अंदर से कच्चे ऊपर से पके हुए लगते हैं, आपको देख के पकाना है, ठीक है। देखिए, सो फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। देखिए, इतने ब्राउन चाहिए हमको, अब हम इसको ऐसे रखेंगे। आप प्लेट में टिश्यू पेपर वगैरह मत रखिए क्योंकि ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। देखिए, हमारा फर्स्ट ट्रिप अच्छे से रेडी हो चुका है, अब हम डालेंगे सेकेंड ट्रिप। सो फ्रेंड्स, अब हम डाल रहे हैं सेकेंड ट्रिप, ठीक है। देखिए, हमने डाल दिया है सेकेंड ट्रिप, अभी थोड़े हैं डालेंगे। सो हमारे सेकेंड ट्रिप हो चुके हैं रेडी, और यहाँ पे हमारी चांचनी पक रही है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा हलाएंगे। तो देखिए, नीचे थोड़ी थोड़ी अभी शक्कर बाट के है, इसको
मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। आपके हिसाब से आप पकाइए मीठा, ठीक है। और यहाँ पे तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे सेकेंड ट्रिप के गुलाब जामुन तल रहे हैं। ये है हमारे फर्स्ट ट्रिप के गुलाब जामुन, ऐसे हमको चाहिए। देखिए इसका ये अब्सॉर्ब ऑयल नहीं करता है, ठीक है। देखिए कैसे सूखे सूखे हैं, गर्म है। और यहाँ पे हमारे सेकेंड ट्रिप हो रहे हैं रेडी। इसको भी लो फ्लेम में ही, थोड़ा मीडियम फ्लेम में तलना। और ये हमारी चांचनी पूरी है रेडी, ठीक है। देखिए अब हम आपको ये गुलाब जामुन रेडी होने के बाद आपको मिलते हैं। सो फ्रेंड्स हमको ये चटनी 20 मिनट तक पकाना है, जब तक हमारा शुगर जो मेल्ट ना हो और आपको अच्छा चिपचिपा होना चाहिए। आप हाथ में देखिए ठंडा है बाद चाशनी जिगट आना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमारा सेकेंड ट्रिप रेडी हो चुका है, देखिए। सो फ्रेंड्स अब इसकी भी फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसकी फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसको हमको ठंडा होने के लिए रख दिया, गरम गरम मत डालिए, ठीक है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये हमारे सेकेंड ट्रिप के फ्रेंड्स हमारे गुलाब जामुन फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। आप ये चांचनी इसके अंदर, ये हमने यहाँ पे बर्तन लिया है बड़ा सा बॉल, इसके अंदर खुला खुला करके डालिए। आप देचकी में डालोगे तो आपकी जो गुलाब जामुन है ना एक के ऊपर बैठ के ना वो अच्छे से चांचनी अब्जॉर्व नहीं करें, खुले से डालने से चांचनी अब्जॉर्व करेंगे। अब हम इसमें चांचनी हमारी पूरी चांचनी डालेंगे, देखिए वो। तो फ्रेंड्स हमने चांचनी डाल चुके हैं, अब हम इसको 2 घंटे तक ऐसे चांचनी में रख देंगे जब तक वो चांचनी एब्जॉर्ब कर ले, गुलाब जामुन में एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। देखिए हम गुलाब जामुन। सो फ्रेंड्स अभी आप जो गुलाब जामुन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जो आप बाद में आप 2 घंटे बाद आप करोगे तो आपके जो गुलाब जामुन है ना चांचनी अब्जॉर्ब करके वो स्मूथ हो जाएंगे और नरम पड़ेंगे, तब आप फैलाएंगे तो कट भी हो सकते हैं। अब आप इस गुलाब जामुन को आप ढक के रख दीजिए 2 घंटे तक, उसके बाद आप सर्व कीजिए। फ्रेंड्स हमारा गुलाब जामुन रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो 2 घंटे हमने भिगोने रखना था। देखिए पूरा चांचनी अब्जॉर्व कर चुका है, इतनी चांचनी बची है, यहाँ तक हमने फुलफिल किया था ना, ये पूरा चांचनी पी चुका है। अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे गुलाब जामुन हो चुके हैं रेडी, आप देख सकते हो हमने इसके ऊपर गार्निश किया है बादाम पिस्ता। देखिए हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, ये अच्छे से भीग चुके हैं, इसके अंदर चांचनी अच्छी तरह से जा चुकी है, आप देख सकते हो। देखिए अगर आपको गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। बाय, अल्लाह हाफिज़।